हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ऑफ जून 2021 तो 18 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स है ना आप अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं ठीक है ना तो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डीप ओशियन मिशन डीप ओशियन मिशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द मिशन मोड प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर द डीप ओशियन फॉर रिसोर्सेज एंड डेवलपसी डीप सी टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस एम्बिशियस मिशन कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ नन क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द ग्रीन पैसेज स्कीम तो ग्रीन पैसेज स्कीम इनमें से कौन से स्टेट ने लॉन्च की ऑप्शन आर ए महाराष्ट्र बी वेस्ट बंगाल सी मध्य प्रदेश या डी ओडिशा दिस इज क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फेवरेबल कंडीशन फॉर हीट वेव्स इनमें से कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन फॉर हीट वेव्स है ठीक है ना आपको बताना है ऑप्शन आर सॉरी सॉरी यहाँ पे विच आर द फॉलो इज इनकरेक्ट तो मतलब इनमें से कौन सी नहीं है फेवरेबल कंडीशन ठीक है ना आपको ये बताना है तीन इनमें से फेवरेबल कंडीशन है एक इनमें से फेवरेबल कंडीशन नहीं है ऑप्शन आर एबसेंस ऑफ मॉइस्र इन द अपर एटमोस्फेयर

नाउ द मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग लिख लीजिए मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे है वॉट रोल कैन टेक्नोलॉजी प्ले इन देल्थ केयर सेक्टर ऑफ इंडिया वॉट रोल कैन द टेक्नोलॉजी प्ले इन द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ इंडिया ठीक है ना तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू प्लीज़ डू ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट रोल कैन द टेक्नोलॉजी प्ले इन द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ इंडिया दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज डू टेल मी द आंसर ऑफ दैट इन द कमेंट सेक्शन वे लोग काफी अच्छा आंसर आप लोग लिख रहे हैं एंड पीपल आर रिव्यूइंग द आंसर्स एज वेल और कल भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आप लोगों ने लिखे थे है ना तो प्लीज डू कीप राइटिंग द आंसर्स उसको लिखते रहिएगा है ना एंड दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच टू मूव फॉरवर्ड आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आइटम मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहली न्यूज़ है कि रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्लान टू कॉर्पोरेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तो अब जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है प्लान टू कॉरपोरेटाइज़ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉरपोरेटाइज करने का प्लान अप्रूव कर दिया है अब होगा क्या इसमें देखो फोर्टी वन फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री विल बी डिजॉल्व इंटू सेवन न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कर क्या रहे हैं जो इकतालीस फैक्ट्रीज हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज फोर्टी वन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री दे विल बी डिजॉल्व इन टू सेवन न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगस इनको सात नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिजोल्व किया जाएगा नाउ द न्यूली क्रिएटेड एंटिटीज विल बी हंड्रेड परसेंट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ये जो डिफेंस एंटिटीज़ रहेंगी जो सात नई डी पी एस यूज बनाई जाएंगी ये हंड्रेड परसेंट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट रहेंगी ऑल ओ एफ बी एम्प्लॉयज़ इन द प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी ट्रांसफर टू द न्यू कारपोरेट एंटिटीज ऑन अ डिमांड ऑन अ डीम्ड डेपुटेशन इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं इन द प्रोडक्शन यूनिट्स दे विल बी ट्रांसफर टू द न्यू कॉरपोरेट एंटिटीज, उनको नए कॉरपोरेट एंटिटीज में ट्रांसफर किया जाएगा ऑन अ डीम डीम्ड डेपुटेशन इनिशियली फॉर टू ईयर्स पीरियड विदाउट एल्टरिंग देर सर्विस कंडीशन एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज के रूप में ही काम करेंगे ठीक है ना याद रखेगा

कर रहा है ठीक है ना पहला जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वो सेटअप की गई थी 1712 सत्रह सौ फैक्ट्री के रूप में इसको डच ने स्टार्ट किया था ठीक है और वेस्ट बंगाल में, में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो हुई थी, ये भी आप लोग फैक्ट लिख लीजिए अगर यूपीएससी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट फैक्चुअल भी दे सकता है ना ऐसा तो नहीं कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा फैक्चुअल वो स्टेटमेंट में दे देते हैं कि तो क्या रीजन है कॉर्पोरेटाजेशन ऑफ दैट तो अ परफॉर्मेंस बाय द एंड ऑडिटर जनरल तो देखो क्या होता है कई बार कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका प्राइवेटीकरण किया जा रहा है ना कई बार उसका जो वर्किंग होता है उसको भी चेंज करके उसको कॉर्पोरेटाइज करते हैं तो जो वर्किंग है वो कॉर्पोरेट स्टाइल में वर्किंग की जाएगी और जितने अलग अलग एंटिटीज के रूप में वो एग्जिस्टिंग कर एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी जगह उसको अब एक आ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में काम कर, कराया जाएगा ना जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम करती हैं वैसे ही इनका भी काम करवाया जाएगा तो रीज़न क्या था इस कॉरपोरेटाइजेशन का तो परफॉर्मेंस रवेल्यूशन किया गया था कैग द्वारा दो में ठीक है ना तो उसने बोला कि काफ़ी ज़्यादा लैकुने हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन के साथ है ना एंड एक्सपेंसेस uh, uh, जो एक्सपेंसिजर होते हैं ओवर मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली एंट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करने के अलावा जो एक्सपेंसेज होते हैं दे वर कंस्टिट्यूटिंग थर्टी ऑफ द ओवरऑल एलोकेटेड बजट मतलब कि जितना बजट एलोकेट हो रहा है उसका तैंतीस तो uh, समझ लो दूसरी चीज़ों में यानी कि चाय और समोसे में जा रहा था तो कुल मिलाकर के दैट वॉज द प्रॉब्लम कि थर्टी का यूज तो आप प्रोडक्शन में कर भी नहीं रहे थे आप केवल और केवल सिक्सटी सेवन परसेंट में प्रोडक्शन कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा इनफिशियंसी थी इनकी वर्किंग में एंड द मेजर कंट्रीब्यूट जो बेसिकली डिलेड प्रोडक्शन हो रहा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अचीव्ड द प्रोडक्शन टारगेट्स फॉर ऑनली फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द आइटम्स उनको जितने काम दिए गए उनमें से केवल उनचास ऐसे थे जो कि टाइम लिमिट के अंतर्गत हो गए एंड That was another problem. Then आत्मनिर्भर भारत इनिशियेटिव ऑल्सो कॉल्स फॉर द कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ द ओ जो आत्मनिर्भर भारत Initiative है वो भी बोलता है कि भैया इनका PSU एस यूकरण कर दो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स का कॉरपोरेटाइजेशन uh, uh, कर दो ठीक है ना एंड दिस विल भी इम्प्रूविंग द ऑटोमी अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशियंसी ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस सप्लायर्स तो ये चीज़ ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी आई होप यू वॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम इसको नोट कर लेना इसको याद रखना दूसरी न्यूज़ है डब्ल्यू एच ओ ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है रिसेंटली जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डम्प साइट्स याद रखेगा डब्ल्यू एच ओ की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी याद रखना है इस रिपोर्ट का नाम भी चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स और ये रिपोर्ट किसने निकाली है ये निकाली है डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है 1948 में बना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ अंडरलाइन द रिस्क दैट चिल्ड्रन वर्किंग इन इनफॉर्मल प्रोसेसिंग आर फेसिंग ड्यू आर फेसिंग ड्यू टू डिस्कारड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और ई e वेस्ट तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ऐसे बच्चे ऐसे चिल्ड्रन जो वर्क कर रहे हैं इनफॉर्मेश इनफॉर्मल प्रोसेसिंग में Uh, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ई वेस्ट फेस कर रहे हैं नियरली एटीन मिलियन चिल्ड्रन है देर आर नियरली एटीन मिलियन चिल्ड्रन एंड अबाउट ट्वेल्व पॉइंट नाइन मिलियन वुमेन वर्क एट दीज ई वेस्ट साइट्स एवरी ईयर लगभग अठारह मिलियन बच्चे और बारह दशमलव नौ मिलियन वुमेन जो हैं जो कि इस तरह से ई e वेस्ट की साइट्स पर काम करती हैं एंड दे आर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ ई वेस्ट दे आर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ ई वेस्ट ठीक है ना एंड मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द मिडिल और लो इनकम कंट्रीज मिडिल और लो इनकम कंट्रीज से ये ज़्यादातर ई e वेस्ट आता है ठीक है ना सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन इन दिस रिपोर्ट्स चिल्ड्रन एंड द डिजिटल डंप साइट्स आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम एज वेल डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट है और इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ ई वेस्ट विच आर फेस्ड बाय द चिल्ड्रेन एंड वुमेन दैट हैज बिन मैंशन इन दिस रिपोर्ट आई होप यू गॉट क्लैरिटी अब यहाँ पे फ्रंट पेज की एक न्यूज़ और है एपेक्स कोर्ट अप्रूव द सी बी एस सी असेसमेंट फार्मूला अब यहाँ पे सी बी एस सी और आई सी एस सी ने क्लास uh, ट्वेल्थ के लिए एक असेसमेंट फार्मूला रिलीज़ किया है जिसको कि अप्रूवल दे दिया गया है फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट अब इसमें टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ तीनों का अलग अलग वेटेज का यूज़ करके ये रिजल्ट बनाए जाएंगे हाउ द रिजल्ट विल बी फॉर्म लेट मी टेल यू दैट एज वेल तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इफ़ यहाँ से पढ़ो सो इफ द टोटल मार्क्स फॉर थ्योरीज एटी अगर मान लो टोटल मार्क्स फॉर थ्योरीज एटी देन थर्टी परसेंट वेटेज ऑफ क्लास टेंथ एंड इलेवेंथ वुड कम क्लोज टू ट्वेंटी फोर मार्क्स ईच ठीक है ना तो थर्टी परसेंट वेटेज क्लास टेंथ को और थर्टी परसेंट क्लास इलेवेंथ को ये चौबीस चौबीस नंबर के आसपास आएगा एंड फोर्टी परसेंट वेटेज डिराइड फ्रॉम परफॉर्मेंस इन टेस्ट कंडक्टेड इन क्लास ट्वेल्थ तो फोर्टी uh, परसेंट जो रिमेनिंग है वेटेज दैट विल ऑन द बेिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टेस्ट इन क्लास ट्वेल्थ ट टू द रिमेनिंग थर्टी टू मार्क्स ना तो इस तरीके से बनेंगे तो यहाँ पे लिखा है सीबीएसईडेड प्रोसेस इन टू टू कंपोनेंट दो कम्पोनेट में डिवाइड कर दिया है सीबीएसई ने असैसमेंट को एक है थ्योरी एंड सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल थ्योरी कंपोनेंट विल बी असेस्ड बाई फर्स्ट गिविंग थर्टी परसेंट वेटेज टू द एवरेज स्कोर्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन क्लास टेन इन देयर थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स तो क्लास टेंथ के तीन बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स का एवरेज निकाला जाएगा थर्टी परसेंट वेटेज उसका दिया जाएगा देन फाइनली फोर्टी परसेंट वेटेज गिवन टू तो मार्क्सेंड इन और क्लास ट्वेल्थ तो में जो भी मिड टर्म यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड एग्जाम दिए गए हैं उनके बेसिस पे तो ये कुल मिलाकर वेटेज है थर्टी थर्टी फोर्टी

आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट पर आते हैं लेट्स लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट एंड पहला जो ऑडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे है जुडिशियल पुशबैक टू अ ड्रैकोनियन लीगल रजीम अब ये जुडिशियल पुशबैक किस चीज़ को दिया जा रहा है यू के बारे में ऑथर ने कहा है कि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी डेली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है जिसमें देवांगना कलिता नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा इनको जेल से रिलीज किया गया हु इन जेल फॉर ओवर अ ईयर एक साल से ज़्यादा इनको जेल में हो गया था विदाउट इवन ट्रायल फॉर देर फॉर देयर अलेज रोल इन ट्वेंटी ट्वेंटी डेली रॉइड्स तो ये जे एन यू के स्टूडेंट्स हैं दो हज़ार बीस के डेली रॉइड्स के, के कारण इनका नाम आया था और इसमें इनको एक साल से ज़्यादा हो गया था जेल में रहते विदाउट एनी ट्रायल यू ए पी ए का एक्ट था ऑथर ने कहा है कि यू ए पी ए का एक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रेकोनियल लॉ है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हार्श लॉ है एंड बहुत ज़्यादा बहुत इ पुलिस इसको यूज़ कर देती है पुलिस इज़ यूजिंग दैट यू ए पी ए वेरी इरिस्पॉन्सिबली तो यहाँ पे रूट ऑफ द इशू देखो क्या है तो रूट ऑफ़ द इशू ऑथर ने कहा है कि जो यू ए पी ए है इट इज़ पर मोस्ट एब्यूज लॉ इन इंडिया टूडे काफ़ी ज़्यादा एब्यूज लॉ है और इसका जो रूट है वो लाई करता है सेक्शन फोर्टी थ्री डी फाइव में जो यू ए पी एक्ट है उसका उसका सेक्शन है ठीक है ना यू एक्ट का सेक्शन है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यू को हम बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसका सेक्शन है फोर्टी थ्री डी फाइव जो कि प्रिवेंट करता है द रिलीज ऑफ एनी एक्यूज पर्सन ऑन बेल इफ ऑन अ अप्रूजल ऑफ द केस डायरी और द रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी मतलब कि इस केस में प्रिवेंट किया जाता है पर्सन को बेल देना तो सेक्शन 43 में जो बेल है है वो बहुत टफ होती है अगर आपको यूएपीए का सेक्शन 43 थ्री डी फाइव लगा हुआ है तो बहुत कम बहुत आ, मुश्किल है कि यूएपीए के एक्ट के अंदर आपको बेल मिल जाए क्यों क्योंकि जो इसमें बेल के रिगार्डिंग जो चीज देखी जाती है कोर्ट द्वारा वो केवल और केवल, केवल, केवल केस डायरी जो पुलिस केस डायरी बनाता है ना आपको ये शायद वर्किंग नहीं पता होगी लेकिन पुलिस फिर क्या करती है पूरी केस डायरी मेंटेन करती है उसके बाद चार्जशीट होता है तो यहां पर जो पुलिस केस डायरी है जो उसके बेसिस पे ही इसमें आ, ये बेल दिया जाता है बट पुलिस डायरी केवल मतलब कि एक आप एक तरीके से एक ही पक्ष सुन रहे हो ना दूसरा तो आपने साइड ही नहीं सुना तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इसमें बेल ले पाना क्यों क्योंकि इसमें सिर्फ पुलिस का केस सुना जाता है और पुलिस तो ऑब्वियस सी बात है उसने केस ऐसा बनाया होगा कि स्ट्रांगेस्ट पनिशमेंट मिले ठीक है ना तो कुल मिलाकर के ये रीजन होता है कि फोर्टी थ्री डी फाइव के तहत जो इसमें केस डायरी और ये सब देखी जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोर्ट जो है वो बेल दे पाए तो अगर कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है फॉर बिलीविंग कि वो पर्सन जो है उसके अगेंस्ट जो क्लेम है वो प्राइमा फेसी ट्रू है और शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली जब तक कोर्ट पूरी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कर लेता तब तक शुरू शुरू में तो उसको लगेगा ही ना कि हाँ यार प्राइमा फेजी तो केस बनता है इसके ऊपर क्योंकि पुलिस भी ऐसे तो उठा के नहीं लाएगी थोड़े बहुत भी आर्ग्यूमेंट्स

मतलब कि एक तो प्रोसिक्यूशन है दूसरा पुलिस है जो कि पुलिस बोलेगी हमारा वर्जन ट्रू है प्रोसिक्यूशन बोलेगा हमारा वर्जन ट्रू है एट of हार्ट ऑफ system ऑफ जस्टिस इज द टेस्टिंग ऑफ एविडेंस थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे मेन चीज आएगी कोर्ट्स का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है जो कोर्ट्स विटनेस देख रहा है कोर्ट सुन रहा है कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ा यह सारी चीजें स्क्रिटेनाइज करेगी ना ऑथर का यह कहना है कि प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एविडेंस लाना क्रॉस एग्जामिनेशन करना विटनेस को देखना और इनक्रिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को देखना हैंडराइटिंग का टेस्ट करना वॉइस सैंपल का टेस्ट करना ये बहुत ज्यादा बल्क है क्रिमिनल ट्रायल में ये सारी चीजें पार्ट बनाती बल्कि यही सारी चीजें हैं ना no, ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम भी ले सकते हैं और दीज थिंग्स कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऐसे में बेल का प्रोविजन में नहीं है और ऐसे में सपोज अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है बेगुनाह है जिसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं बट सिर्फ और सिर्फ आ, वाला पुलिस के कारण उसको आ, अंदर रहना पड़ रहा है सो दैट कैन टेक अ लॉट ऑफ़ टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम भी इसमें जा सकता है इट कैन टेक मेनी ईयर्स इट कैन टेक मेनी ईयर्स एंड इवन डिकेट्स कई बार तो ये डिकेट्स भी ले चुका है तो ऑथर ने कहा कि ऐसे में फिर बेल जो है दैट इज नी ओनली वे आउट बेल देखो बेल अगर मिल गई तो ठीक है ना केस तो चलता रहेगा लेकिन बेल ज़रूरी ना ऐसे केसेस में जहां पर कि डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है डायरेक्ट व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है इन इन सम अनलॉफुल इवेंट्स वहां पर आप एक्चुअली उसको बेल प्रोवाइड कर सकते हो अदरवाइज ही विल बी लैंग्विशिंग इन द प्रजेंस वो जेल में या तो रहे तो ऐसे में ऑथर ने बोला कि कई लोग क्या होता है हार्ड एंड क्रिमिनल्स बन जाते हैं जब लोग कई बार देखो क्या ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं ठीक है ऑब्वियस है स्टूडेंट एक्टिविट एक्टिविस्ट हैं अभी इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की है। और ऐसे में आप इनको अगर हार्ड एंड क्रिमिनल्स के बीच में रख दोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इनकी मैंटेलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर तो वही चीज़ ऑथर ने बोली है कि ऐसे में बेल जो है दैट इज नी ओनली वे आउट है ना एंड uh, वो चीज़ बहुत ज्यादा जरूरी होती है एंड दैट इज अ थिंग सेज कि यहाँ पे बेल बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ लिबर्टी की तरह काम करता है जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन वही वाली बात है सेक्शन फोर्टी थ्री डी फाइव जो है वो शॉर्ट सर्किट कर देता है जो कोर रजम्पन है क्योंकि ग्रैंड ऑफ बेल के लिए इसमें एक ही साइड की स्टोरी सुनी आती है वो भी पुलिस केस डायरी की तो ऑथर ने यहाँ पर ये कहा बेसिकली आ, ये सारी चीज़ें पढ़ने का ऑथर ने कहा है कि देखो क्या है यूएपीए जो एक्चुअली में एक्ट आया था वो टेररिज्म के खिलाफ आया था टेररिस्ट के खिलाफ आया था और टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए आया था ऐसे में आपको ये बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है कि आप पहले तो ये एनालाइज करें कि जो एक्ट हुआ है वेदर दैट एक्ट इज अ टेररिस्ट एक्ट और नॉट क्या वो टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में आएगा भी या नहीं आएगा दूसरी चीज आपको ये भी देखना है कि टेररिज्म जो टर्म है काफी ज्यादा वो मतलब कि लूजली यूज किया जा रहा है पुलिस भी काफी ज्यादा लूजली उसको यूज कर लेती है तो इसके लिए थोड़ा सा उनकी भी

उनको पता रहेगा कि भाई यह चीज यूएपीए के अंतर्गत नहीं आएगी यह चीज मतलब कहना चाहिए कि टेररिस्ट एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आएगी एंड मतलब ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के यहाँ से फिर क्लियर होंगी तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगली जो न्यूज़ है वो है अ प्लेस फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है उनका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया और इन सब को ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है तो इनका काफ़ी यूज किया जा रहा है यहां पे ऑथर ने एग्जाम्पल सबसे पहले दिया है अभी कोविड का कोविड के समय हमने देखा थे उनकी जाने भी गई इन द कोविड स्पेशली कहना है कुल मिला करके, का यूज करके आप काफी कुछ वर्कलोड कम कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल चाइना केस में क्या हुआ चाइना ने हाई फाइव जी पावर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसिस का यूज किया है, है ना जो कि इंट्रेंस पे लगा दिया है तो मतलब उन्होंने ह्यूमन पावर को ही रिमूव कर दिया वहाँ से ताकि वो लोग उनके कंटैक्ट में ही ना आए देन रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है फॉर मेजरिंग द हार्ट रेट्स रोबोट्स का यूज किया जा रहा है फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर लेवल जो बेसिक चीज़ें हैं ऑक्सीजन लेवल एंड रोबोट्स ही सैनिटाइज भी करें व्स को सैनिटाइज करना ये सारे काम रोबोट्स के थ्रू किए जा रहे हैं तो ये जो चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना रोबोटिक टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स का यूज़ करना फाइव जी का यूज़ करना इन ऑर्डर टू इन इन द हेल्थ सेक्टर दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटी है ना अगर आप देखो ना आपकी कम्युनिकेबल डिसीजेज और जो इस तरह की कंटेजियस डिसीजेज हैं ऐसे केसेज में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड दैट दैट इज शुड डू द ट्रिक क्योंकि ऐसे में जो रिस्क होता है कि फ्रंट लाइन

का यूज आप करो फॉर मेंटेनिंग इंडेक्स्ड का यूज करो एनालिटिक्स का यूज करो अब बिग एनालिटिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं एक आपके पास बहुत बड़ा टैंकर है इस टैंकर में आपने ये पूरा इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया पूरा इंफॉर्मेशन से ये टैंकर फिल कर दिया सपोज अब इस टैंकर में तो सारी इंफॉर्मेशन है एक आर यानी कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी है और एक आई यानी कि इ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी है अब आपने पहले ये चीज नहीं देखी थी कि इस टैंक में आप क्या फिल कर रहे हो आप बस इंफॉर्मेशन फिल करते जा रहे थे वो रेलिवेंट भी थी और इनरेलीवेंट भी थी अब अगर मैं इस टैंकर से केवल रेलिवेंट रेलिवेंट वाली इंफॉर्मेशन निकाल लूं केवल रेलिवेंट रेलिवेंट वाली इंफॉमेशन निकाल लूँ तो ये कहलाता है बिग डेटा एनालिटिक्स यानी कि जब बहुत सारे डेटा में से आप वो डेटा निकालते हो यूजफुल वाला डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में निकालते हो उसे कहते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स आई होप यू गॉट क्लैरिटी एक पूल ऑफ डेटा है उस पूल ऑफ डेटा में से आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रेलिवेंट डेटा जब आप निकालते हैं तो उसको बोला जाता है बिग डेटा एनालिटिक्स तो ये ऑथर ने पे बोला देन ऑथर ने पे एक और सजेशन दिया है ए और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ना वैसे इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स भी हो सकता है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ केयर का है मेडिकल डिवाइसेस हो गए सॉफ्टवेयर अपलीकेशनस हो गए हेल्थ केयर सिस्टम्स हो गए इनको आप इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स के रूप में कनेक्ट कर सकते हो सारे डिवाइस को इनॉल तो दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच बीन मैंशन बाई दी ऑथर एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि जो यूनिवर्सल हेल्थ थ के हेल्थ कवरेज है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बहुत पावरफुल कंसेप्ट है जो कि पब्लिक के लिए ऑफर किया जा सकता है एंड उसमें जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है स्पेशली जो टेली मेडिसिन का कंसेप्ट है टेली मेडिसिन यानी कि जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है टेली मेडिसिन में ऑनलाइन जो कंसल्टेशन होता है कि और डॉक्टर्स जो हैं कि सारी चीज़ें देख सकते हैं दैट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट तो ये ऑथर ने बोला है देन आयुष्मान भारत में भी ऑथर ने कहा है कि आयुष्मान भारत में भी आप इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इन सब का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो ठीक है ना और इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है देखो टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप लोकल नॉलेज के साथ भी जोड़ो ना ड्रॉ द लोकल नॉलेज लोकल कम्युनिटी के नॉलेजेस को लोकल कम्युनिटी नर्सेज को डॉक्टर्स को हेल्थ वर्कर्स को आप इनको भी यूज़ करो दे विल एक्ट एज द फ्रंट लाइन सेंटिनल्स ये फ्रंट लाइन सेंटिनल्स के रूप में काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको लोकल नॉलेज को भी छोड़ना नहीं है लोकल नॉलेज यूज करना दैट इज वॉट ऑथर बीन मैंशनिंग देन पॉसिबल जो ऑथर ने बोले कि कुछ देखो यहां पे uh, ये तो लोकल नॉलेज हो गया देन उसके बाद ऑथर ने ये भी कहा है कि पॉसिबल कंस्टेंट्स क्या पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं तो ऑथर ने ये कहा कि जैसे कि इंडिया में जो हेल्थ केयर का डेटा है दैट अभी अभी तक उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बना है दैट इज़ नॉट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे दूसरी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस यानी कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग मोनोलिथ में काम करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी बहुत कम है कॉर्डिनेशन बहुत कम है ठीक है ना फिर डेटा से डेटा जब इतना ज़्यादा मेन्टेन होगा तो डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का भी इशू है हेल्थ केयर का डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो ऐसे में क्योंकि जो है आपकी विटी को बताता है, है जो कि इंडिया फेस करेगा और ऐसे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फाइनेशियल रिसोर्स लगेंगे और हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स भी नहीं है हमारे यहाँ का बजटरी एलोकेशन भी हेल्थ केयर में इतना ज्यादा नहीं है तो दीज आर थिंग्स विच कैन प्ले रोल डिस्टर टेक्नोलॉजी जो है वो रोल बहुत ज्यादा प्ले कर सकते सकती है, बट जो ये चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे हेल्थ केयर में सुधार होगा सो दीज आर द दिंग्स विच हैविनशन इन दिस आर्टिकल आई होप यू गर्ट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं यहाँ पे रूल्स रेगुलेटिंग द केबल टीवी नेटवर्क अमेंडेड अब यहाँ पे केबल टीवी नेटवर्क का जो रूल्स है वो अमेंड किया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसको अमेंड किया है और इसमें ये कहा गया है देखो एट प्रजेंट जरा नाइन हंड्रेड टी चैनल्स चैनल नौ से ज़्यादा टी चैनल्स हैं और जिनको कंप्लाई करना पड़ता है किसके साथ प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजिंग कोड दो कोड के साथ प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड किसने ले डाउन किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ले डाउन किया है प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड बोलते हैं इसको किसने ले डाउन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ले डाउन किया है और इट हैज बीन स्टैब्लिश्ड अंडर द केवल टीवी नेटवर्क रूल्स तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के अंतर्गत तो इसको स्टैब्लिश किया गया है याद रखिएगा केबल टी वी नेटवर्क रूल्स को दो हजार इक्कीस में अमेंड किया गया जिसमें कि थ्री टीयर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया थ्री टीयर यानी कि तीन टीयर का ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया और उसमें पहला टीयर था सेल्फ रेगुलेशन बाय द ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टर खुद का सेल्फ रेगुलेट करेगा फर्स्ट टीयर पे सेकंड था सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ ब्रॉडकास्टर्स तो पहला है ब्रॉडकास्टर द्वारा दूसरा है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द ब्रॉडकास्टर एंड तीसरा है ओवरसाइट बाय द इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी तीसरे लेवल पर रहेगी तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए याद रखेगा थ्री टीयर प्रोग्राम का प्रोग्राम बनाया गया है ठीक है ना अब देखो कंप्लेंट के लिए क्या होगा कि व्यूअर जो है ही कुड डायरेक्टली फाइल द कंप्लेंट टू द ब्रॉडकास्टर व्यूअर जो है डायरेक्टली कंप्लेंट ब्रॉडकास्टर को देगा जिसके पास पंद्रह दिनों का समय रहेगा पंद्रह दिन में उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अगर कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड नहीं है रिस्पॉन्स से तो वो उसको एस्केलेट कर देगा और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज जो बनाई गई है ब्रॉडकास्टर की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज वहाँ पर ही जाएगा और उसको साठ दिन मिलेंगे टू डील विद द केस सिक्सटी डेज में फिर उसको डील करना पड़ेगा केस के साथ ठीक है ना और अगर कंप्लेनेंट साठ दिन में मिलने वाले रिस्पॉन्स से भी खुश नहीं है तो फिर वो आ, कहा जाएगा फिफ्टीन डेज के अंतर्गत जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर इट्स ओवरसाइट मैकेनिज्म तो वो जो कमेटी है ना गवर्नमेंट की कमेटी फिर उसके पास जाया जा सकता है पंद्रह दिनों के अंतर्गत और सच अपील्स वुड बी डेल्ट विद द इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी सेटअप अंडर द ओवरसाइट मैकेनिज्म तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो बनाई गई है फिर वो डील करेगी उस केस के साथ ठीक है ना जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है फिर वो डील करेगी उस केस के साथ एंड द कमेटी वुड बी हेडेड बाय द एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट

तो आगे यहां पर ऐसी कोई न्यूज आइटम नहीं है जो मैं आपको बताऊं ठीक है ना तो यहां पर अभी ऐसी कोई देखो न्यूज नहीं है ठीक है तो लेट मी टेल यू आंसर फॉर द क्वेश्चन आज इन द इन द फ्रंट पेज जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे पहला क्वेश्चन पूछा था डीप ओशन मिशन के रिगार्डिंग तो पहला स्टेटमेंट तो सही है दूसरा गलत है क्यों क्योंकि मैंने कल आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो आपकी uh, uh, कहना चाहिए कि नोडल मिनिस्ट्री रहेगी दूसरा यहां पे सवाल मैंने पूछा था ग्रीन पैसेज स्कीम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेट ने किया स्टार्ट किया तो उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया है, इन, है डी तो क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्टल एरिया कॉमन सेंस वाली बात है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और अगर आप कोस्टल एरिया के पास रहेंगे तो मॉइस्चर आएगा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट हाँ दूसरा कह रहा है प्रैक्टिकली ली क्लाउडलेसाइए तो ऑब्वियसली बात है जब आप कोस्टल एरिया के पास रहेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा और क्लाउड ज्यादा बनेंगे है ना तो यहाँ पर ये दोनों चीजें कॉन्ट्रेडिकट uh, भी कर रही थी तो क्लोजर अप्रॉक्सिमिटली टू द कोस्टल एरिया मूव करते मैं आपको थोड़ा कुछ चीजें बता दू फेवरेबल कंडीशन जो हीट वेव्स के लिए होती हैं आप लिख लीजिए फेवरेबल कंडीशन हीट वेव के लिए जो होती हैं वो हैं ट्रांसपोर्टेशन uh, या प्रिवेलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर अ रीजन देन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द अपर एटमोस्फेर Practically cloudless sky for maximum insulation And last is large amplitude anti-cyclonic flow Okay na. ग्रीन पैसेज स्कीम जो है याद रखेगा इट विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक ग्रीन पैसेज स्कीम में जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल द चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द कोविड नाइन्टीन उड़ीसा में इंप्लीमेंट किया जा रहा है इट विल ऑल्सो भी इंप्लीमेंटेड टू कवर स्टूडेंट्स एजुकेशन कॉस्ट एट ऑल द लेवल्स इंक्लूडिंग द स्कूल्स द गवर्नमेंट विल बियर द कॉस्ट एज वेल एज एज वेल If the orphan kid is studying at any private institution and under the scheme, the eligible students will children will also be entitled to a pension of rupees टू थाउजेंड पर मंथ तो हर महीने दो हज़ार रुपये भी उनको दो हज़ार रुपये की एक तरह से पेंशन भी दी जाएगी तो दीज आर थिंग्स विच आर देर अंडर दिस ग्रीन पैसेज स्कीम आई होप यू गॉट क्लैरिटी दैट इज़ इट फॉर द डे थैंक यू एंड हम नाइस डे